हेलो दोस्तों, खुशी ई एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है हिंदी और आज हम एक कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है बातूनी कछुआ। तो चलिए, बहुत दिनों की बात है, एक जंगल के बीच एक सुंदर सा तालाब था। रोज वहां पहाड़ियों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बकबक करता था। हंसों और कछुओं में काफी गहरी मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा, भाई इस तालाब का पानी तो जल्दी ही सूखने वाला है, तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना है। कछुए ने कहा, तुम्हें कुछ मेरी सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया, लेकिन हंसों ने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफर में बिल्कुल भी नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच अपने मुंह से पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरे को अपनी अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर बहुत खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया, अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वो बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। पहली तो यह कि जब हमारे मित्र मुसीबत में हो तो हमें हर मुसीबत में उनकी सहायता करनी चाहिए। और दूसरी यह कि अगर हमारे मित्र हमें अच्छी सलाह देते हैं तो हमें उनकी सलाह मान लेनी चाहिए, वरना हम मुसीबत में फंस सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी ना? तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।